हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे न्यू व्लॉग में। आज हम आपको एक ऐसा स्थल दिखाने जा रहे हैं जो बहुत ही पुराना, मतलब जिसका बहुत ही पुराना इतिहास है। आइए चलिए हमारे साथ, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे बहादुरगढ़। प्राचीन शिव मंदिर का रास्ता इधर को जाता है और ये है कोला देवी मंदिर। ये देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, ये जा रहा है इधर को कोला देवी मंदिर के लिए, और ये बस बोर्ड से इधर को जा रहा है, ये शिव मंदिर के लिए। What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो फाइनली गाइज, हम पहुंच गए हैं वहां जहां हम आपको लेके जा रहे थे। आज हम आपको जंगल के बीच में एक सुंदर मंदिर दिखाने जा रहे हैं जो बहुत ही पुराना मंदिर है। मान्यता है कि यहां पे एक गांव, पहले बहुत बड़ा शहर होता था एक यहां पे, तो उस समय उस शहर में पता नहीं क्या हुआ था कि उसमें बहादुरगढ़ नाम का एक शहर होता था यहां पे, तो उस समय पता नहीं क्या हुआ कि वो शहर एकदम से अचानक गायब हो गया, और उसके बाद ये केवल मंदिर मंदिर शेष रहा यहां पे। और ये मंदिर बहुत पुराना है, ये देखिए आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत पुराना मंदिर है। बस पूरा वो शहर तबाह होने के बाद ये केवल एक मंदिर ही बचा था। और मान्यता ये भी है कि यहाँ पे रोज़ रात को शेर का आगमन होता है, कि यहाँ पे मैया के दरबार में शेर रात को माथा टेकने आता है। रोज़ का वो है, हमारे बुज़ुर्गों का मानना था कि यहाँ पे हमेशा आते हैं, आता है मतलब शेर। तो आइए हम दिखाते हैं आपको अच्छी तरह से। तो ये देखिए, ये बहुत पुराना मंदिर है जिसका नाम कोला देवी मंदिर बोला जाता है यहाँ पे। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, ये देखिए। यहाँ पे शिवरात्रि के 8 दिन बाद एक भव्य मेला भी लगता है, ये देखिए, जो कि बहुत ही सुंदर इसकी शोभा बढ़ा देता है मंदिर की। देखिए चारों तरफ जंगल ही घना जंगल है, और बीच में ये सुंदर सा मंदिर है। और एक मंदिर और है यहाँ से थोड़ी कुछ दूरी पर जाने के बाद, वो भोले शंकर का मंदिर है। ये माँ कोला देवी का मंदिर है,
ये देखिए कितना सुंदर मंदिर दिखाई देता है। अभी इसके कपाट बंद हैं, कोई पंडित जी भी नहीं है अभी यहाँ पे, क्योंकि दोपहर का वक्त हो रखा है तो इस समय कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये देखिए सामने से कितना प्यारा लगता है ये मंदिर। ये अभी बना है, मतलब सही से पहले ये छोटा मंदिर था, तो अब ये जनता के द्वारा बहुत अच्छा बना दिया गया है। मतलब ये टाइल टाइल वाइल अब लगी है, पहले ये सिंपल था एक छोटा सा मंदिर। ये देखिए अब प्रतिवर्ष यहाँ पे शिवरात्रि पे भंडारे होते हैं बहुत अच्छे। ये देखिए जंगल में चारों तरफ जंगल है और बीच में ये मंदिर। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं। ये देख लीजिए पूरा शानदार मंदिर है माँ कोला देवी का, और इस मंदिर का इतना बड़ा प्रांगण है, इसमें मेला लगता है। इस पूरे प्रांगण में यहाँ पे मेला लगता है, बहुत ही मतलब मेला इसकी शोभा चार गुनी कर देता है। मतलब बहुत ही सुंदर लगता है मेला लगने के बाद यहाँ पे। और प्रतिवर्ष यहाँ पे बहुत बड़े बड़े भंडारे होते हैं। ये देखिए भंडारे का स्थल ये है मंदिर के पीछे, ये इधर भंडारे का स्थल है, यहाँ पे भंडारे किए जाते हैं लोगों के द्वारा। बहुत बड़े बड़े भंडारे होते हैं यहाँ पे प्रतिवर्ष, और यहाँ सारे में मेले का आयोजन होता है यहाँ पे सारे में। तो अब हम चलते हैं दूसरे मंदिर पे जो थोड़ी दूरी पर है यहाँ से, शिव मंदिर, वो भी दिखाते हैं आपको। वहाँ पे शिवरात्रि पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। तो आइए हमारे साथ, अब चलते हैं वहाँ पे। तो ये देखिए अब हम चल दिए हैं अब शिव मंदिर की ओर। ये देखिए जंगल के बीच में कितना प्यारा रास्ता दिखाई दे रहा है। ये देखिए अब शिव मंदिर की ओर जा रहे हैं मैया के दर्शन करने के बाद। देखिए रास्ता कैसा, थोड़ा टूटा फूटा रास्ता है। पर यहाँ जो भी भक्त आता है वो निराश होके नहीं जाता, मतलब बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। नीचे मोड़ ले, और ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, भोला देवी मंदिर और प्राचीन शिव मंदिर। तो अब आ गए हैं इधर शिव मंदिर की ओर, ये रास्ता शिव मंदिर के लिए जाता है। झाड़ी झाड़ियाँ हैं इधर चारों तरफ। और फाइनली हम मंदिर के पास पहुँचने वाले हैं। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, देखिए फाइनली हम पहुँच गए हैं मंदिर में। फाइनली हम पहुँच गए हैं शिव मंदिर पे। ये देखिए शिव मंदिर का गेट है और ये रास्ता है शिव मंदिर का। तो हम जा रहे हैं शिव मंदिर का। ये देखिए ये रास्ता है शिव मंदिर। ये यहाँ पे शनि देव की मूर्ति है, ये देखिए शनि महाराज की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे गेट के थोड़ा सा अंदर आने के बाद। ये शनि महाराज की प्रतिमा है, और ये देखिए ये पानी की टंकी है एक। ये है हमारा शिव मंदिर। कौन सी ये वाली? और ये देखिए ये जो प्रतिमा दिखाई दे रही होगी, ये जो प्रतिमा आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी, ये स्वयं धरती में से निकली हुई है खुद। और ये देखिए ये खुद बनाया हुआ है, परंतु वो जो प्रतिमा दिखाई दे रही है वो धरती में से निकली हुई है। ये यहाँ पे बैठने का स्थान भी बना रखा है, और ये शिव मंदिर है।
जिसके गेट अभी थोड़े मतलब बंद हैं। पंडित जी अभी यहाँ पे हैं नहीं। ये देखिए बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। ये देखिए कितना भव्य मंदिर है, एक अलग ही मन को शांति मिलती है यहाँ, क्योंकि एक तो ये जंगलों के बीच में है और ऊपर से यहाँ पे बहुत सारी जो मतलब बहुत पुराना इतिहास है यहाँ का। बोला जाता है ये एक बहुत बड़ा शहर था जिसका नाम बहादुरगढ़ था, तो उसमें एक तो ये मंदिर बचा था और एक वो जो अभी आपको दिखाया हमने कोला देवी का मंदिर, तो ये दो मंदिर थे जो बचे थे। बाकी पूरा जो शहर था वो पूरा पता नहीं क्या हुआ था, उसमें इतनी जानकारी नहीं है। ये पुजारी जी का स्थान है जहाँ पे वो सोते हैं, अभी शायद गांव में घूमने जा रखे होंगे मतलब थोड़ा। ये देखिए पुजारी जी का स्थान, ये देखिए ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो यार ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।